बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे वोट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वोट रजिस्टर कैसे करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको तफसील से ये भी बताऊंगा कि वोट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप दोस्तों को मिलती रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर वोट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 21 रखा हुआ है, जिसमें हर पाकिस्तानी जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिसके वोट रजिस्टर नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके फॉर्म नंबर 21 को डाउनलोड करके और उनको पुर करके प्रिंट करवा के उसके साथ अपनी CNIC कॉपी अटैच करके अपने ज़िले के दफ्तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा के अपना वोट रजिस्टर करवा सकता है। अगर कोई फॉर्म नंबर 21 डाउनलोड करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म नंबर 21 का लिंक दिया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर कुछ मालूमात दरकार होती हैं जो आपके और आपकी फैमिली और आपकी एड्रेसेस के मुताबिक होती है, जो आप आराम से पुर कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नंबर 21 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप एक सादा पेपर लेके उन पर अपनी लोकल ज़बान में अपनी हाथों से एक एप्लीकेशन लिख के उसके साथ CNIC कॉपी अटैच करके अपने ही ज़िले की ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में जमा करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन की ऑफिस से आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी और वो रिसिप्ट एक हफ्ते तक उसका टाइम पीरियड होगा और एक हफ्ते के अंदर आपका वोट रजिस्टर कर दिया जाएगा। वोट रजिस्टर होने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात यह है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो वोट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और जिन जिन दोस्तों के वोट रजिस्टर नहीं है वो फॉर्म नंबर 21 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसको पुर करके अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर वोट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 21 रखा हुआ है, जिसमें हर पाकिस्तानी जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिसके वोट रजिस्टर नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके फॉर्म नंबर 21 को डाउनलोड करके और उनको पुर करके प्रिंट करवा के उसके साथ अपनी CNIC कॉपी अटैच करके अपने ही ज़िले के दफ्तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा के अपना वोट रजिस्टर करवा सकता है। अगर कोई फॉर्म नंबर 21 डाउनलोड करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म नंबर 21 का लिंक दिया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर कुछ मालूमात दरकार होती हैं जो आपके और आपकी फैमिली
और आपकी एड्रेसेस के मुताबिक होती है, जो आप आराम से पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नंबर 21 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप एक सादा पेपर लेके उन पर अपनी लोकल ज़बान में अपनी हाथों से एक एप्लीकेशन लिख के उसके साथ CNIC कॉपी अटैच करके अपने ही ज़िले की ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में जमा करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन की ऑफिस से आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी और वो रिसिप्ट एक हफ्ते तक उसका टाइम पीरियड होगा और एक हफ्ते के अंदर आपका वोट रजिस्टर कर दिया जाएगा। वोट रजिस्टर होने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात यह है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो वोट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और जिन जिन दोस्तों के वोट रजिस्टर नहीं है वो फॉर्म नंबर 21 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसको पुर करके अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।